हमें नहीं लगती ठंड क्योंकि आलू के पराठे और मिक्स वेज। कितना बड़ा त्रिशूल है? मारेंगे जिम। गूंद का लड्डू वो रही भाई साहब, इतना सामान। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो सुबह उठ चुके हैं और बढ़िया नींद कंप्लीट हुई अपनी, पूरे 8 घंटे सोया हूँ। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। अरे मतलब वीडियो में ऐसे अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ तैयार, टेंशन ना ले। क्या हो गया, कहा जा रही है? कह रही हो आधा सर कटा था वीडियो, हो जाएगा धीरे धीरे सर। ठंड कितनी है? हमें नहीं लगती ठंड क्योंकि तो भैया जिंदगी सफर है सुहाना। एक बार फिर सफर के लिए निकल रहे हैं, नहा धो लिए हैं और अमित भाई ने कर लिया वर्कआउट और नहा भी लिया है। नहा भी ली, क्या बात है। और अब बस डाइट ले चल रहा है, ब्रेकफास्ट करके बस अब निकलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले तो इस तकलीफ से उभरे थे, फिर दोबारा फंस गए इस तकलीफ में। 10 किलोमीटर लंबा जाम है देखना। किसान आंदोलन मेरे ख्याल से हरियाणा और पंजाब की लड़ाई बन जाएगी, क्योंकि हरियाणा बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, बहुत ज्यादा। हरियाणा में ना तो आने का जा रास्ता है ना जाने का रास्ता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, बहुत बुरा हाल है। और जो और खुना खास्ता किसी घर में कोई बीमार है तो रोड पे ही मर जाएगा, रास्ता ही नहीं जाएगा कहाँ से, गलत है ये बहुत। और अभी भी ये कह रहे कि हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हरियाणा, क्यों नहीं जाने दे रहे, पैदल पैदल चले जाओ। वो भी तो कह रहा हूँ, पब्लिक को परेशान कर रहे हो यार। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है भाई, ये देख लो इतने छोटा सा रोड है, बिल्कुल डिब्बी सा। चल बाइक वाला बच गया इतना सा, चल क्या रहे हैं बाइक वाले भी तो जाके घुसते ना अंदर। भाई बहुत ज्यादा दुखी है, 1 घंटे में हम इतना सा हिस्सा पार कर पाए जी। चाय या कॉफी हो जाए, इडली खाने का, इडली भी खा ले, इडली आ जाओ। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना खाना, आलू के पराठे और मिक्स वेज। इतने साल हो गए गाड़ी चलाते चलाते ये नहीं पता ढक्कन की तरह तेल लगा हुआ है, क्योंकि हमें भाई सिर्फ भरवाते ऐसे निकलते हैं बाकी बाकी भाई तेल भरवाते हैं और फिर निकलते हैं अपना। इससे मतलब रॉन्ग साइड जा रहे हैं, हमने गाड़ी मोड़ी है, हमारी गलती है ये, आप तो ऐसा कभी मत करना। लेकिन हमने एक चीज देखी है, बड़ी अनोखी सी चीज देखी है। कहाँ है भाई? मैंने खुद देखा अभी, हाँ सेकंड मैं गाड़ी यहाँ लगा तो पहले एक बार अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने खुद बैठता हूँ भाई, एक पंछी था वो एक ही जगह उड़ रहा था, बस एक ही जगह बिल्कुल। तो भाई देख लेते हैं चल के, तो भाई देख लेते हैं चल के, या तो उसने कुछ देख लिया था। नहीं, 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 नहीं। ऐसा तभी करता है पंछी, कई बार सांप सूप वगैरह कुछ देख के ना पंछी ऊपर रुक जाता है। लेकिन वो एक ही जगह करता करता ऐसे नीचे आ गया बिल्कुल। अच्छा मैंने यही था यही था तगड़ा पंछी था बहुत। कुछ इधर ही है अमित भाई, वो उसे देख के ही वो झुका था। रिस्क लेके हम गए थे लेकिन ये पाजी भाई ये बाइक सही है। तो दोस्तों आ चुके हैं फाइनली, पूरे 7 घंटे लगे और ये त्रिशूल आ चुका है, देख रहे हो मतलब, देख रहे हो कितना बड़ा त्रिशूल है, क्या बात है। तो पूरे जोर शोर की तैयारी चली, डमरू भी आएगा बहुत बड़ा, त्रिशूल आ चुका है। अनुज भाई खाने की तैयारी आ जाओ ना, बस आ गए मार राम राम। और आते ही खाने की तैयारी कर दिया, तो मैं तो गाड़ी पे सामान उतारने लग गया था। तो दोस्तों अभी मिलते पहले खाना खा लेता हूँ। सबसे पहले खाना है देखो, ये है गाँव के ठाट, सरसों का साग, ककड़ी, क्या बात है। तो भैया खाना वाना खा के रेस्ट वगैरह करके अब चल दिया मंदिर की ओर और मारेंगे जिम। दम दम आपको भी दिखाएंगे देश। हाँ तैयार करवा दिया सर जी ने, बता दिया, चलो फिर चलते हैं। तो भैया एक्सरसाइज हो चुकी है डन और अब चलते हैं घर की ओर। फुल अंधेरा हो चुका है, जब अंधेरा हो जाता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग महादेव कहते हैं। तो भैया आप चल दिए हैं हम अलग राइड पे, कहाँ की सवारी? माता जी को खानी है चाप, तो हम जा रहे चाप लेने, मैं दीपक अनुज भाई और हमारे काका टाली। यो, तो जो हमारा जो ये चौथा नाम था ये अदृश्य है, ये सारे आ गए थे वो पूरी सेना ने, वो नाम ले दिया ना मैंने एकदम काका टाली। तो हमारे जो बहुत ही आराध्य हैं वो काका टाली जी हैं, तो हमारे साथ हमारे दीपक भाई क्या कहना चाहोगे? काका टाली की जय हो, जय हो, जय हो। और हमारे मनीष भाई कल को आपको फिर दोबारा मनीष भाई मिलेंगे और फिर वो नई किसी लोकेशन की खोज में आएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कुछ खतरनाक। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो रहे हैं। हाँ वो पूरे भाई उन्होंने मतलब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वो मैंने उनके काफी। अच्छा दीपक यहाँ पे वो जो अमर जगह पे ले गए थे वो यहाँ, उसमें सही में 25-30 हादसे हो लिए, वो एक है बस थोड़ा सा बताते हैं कि वहाँ पे काफी थोड़ा सा ऐसा रहता है कुछ ना कुछ। अब वो जिसको एक्सपीरियंस होता है वही ज्यादा बता सकता है उस चीज के बारे में। तो कल मिलवाते हैं फिर। बिल्कुल, तो हमारे जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो आ जाएंगे कल, उनकी एक्सपर्टीज पे हमें बहुत ज्यादा नाज है। बिल्कुल, उनको भी वैसे टाली बुलाया जाता है, छोटा टाली, छोटा टाली। या
तो दोस्तों फाइनली आ गए हम चाप और अपना पनीर टिक्का लेने, क्योंकि माताजी को खाना था। चलो भाई चलो, है भाई बिल्कुल पहुंच गए हैं। हाँ तो दो और लास्ट किस्मत देखो, दो ही बचे लास्ट, तो दो हमारे नसीब के हैं। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे लिखा है चाप चाप पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो लेके चलते हैं। तो आ गए चाप। माता जी आपने बोला और हम ले आए तुरंत, अब खा के बताओ खानी पड़ेगी फिर। हम तो खा ही लेंगे, क्यों भाई दीपक? बिल्कुल अनुज भाई बिल्कुल, बस मंदीप ने बुला लो फोन कर, फोन कर, बुला ले भाई, एक नंबर छोरा है, अब बाहर जाएगा, अब नहीं रुकेगा, अब बाहर ही जाएगा। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब, सुबह उठ चुके हैं, उठते ही अपनी ब्लैक कॉफी पी लिया, अनुज भाई पी रहे हैं, इसके बाद हम अपना बैग लेके क्या करो, गूंद का लड्डू, फुल ताकत है, तो इसके बाद हम चलेंगे अपना खेत पे, वहाँ करेंगे वर्कआउट। तो तैयारी हो चुकी है अपनी, एक ब्लैक कॉफी बस चली रही है, देखो ये पी के फिर निकलते हैं और जबरदस्त करेंगे वर्कआउट। बोलो हर हर महादेव। तो फिर अब चलते हैं जिम जिम जिम, खेत में करेंगे जिम। ये देखो जूते वाली गाड़ी बन गई है। दोस्तों आ चुके हम खेत पे, अपना मंदिर का काम चल रहा है, ताऊ ने खिंचवा दिया यहाँ काम और यहाँ लगा दिया एक छोटा सा गार्डन, बढ़ जाएंगे सारे पेड़, मस्त हो जाएगा ये। इधर वॉशरूम, इधर कमरा बना दिया, कोई आएगा रेस्ट करना हो, इधर प्याऊ लग जाएगा, यहाँ मंदिर, और ये पूरा देखो कितना सुंदर बना दिया है। यहाँ इतने बड़े बड़े सूल थे वो रखे ना, देखो ऐसे सूल थे, ये बड़े बड़े कांटे थे पूरे में, और अब देखो ये पेड़ बढ़ जाएगा जल्दी, सुंदर लगेगा बहुत। तो दोस्तों खाना खा के लेट गए थोड़ी देर, अब अपनी चाय लेके मजदूरों को देने जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर पे चल रहा है काम, और उस्ताद जी भी आने वाला है, अपनी थार आने वाली, बहुत खुशी हो रही है, थार के साथ साथ शान भी आने वाला है, तो शान आधे घंटे, मेरी बात हुई थी आधे घंटे में आने वाले, अनुज भाई शान और उस्ताद जी चल पड़े हैं, आधे घंटे में पहुँचने वाले थार के साथ, मजा आएगा है? तो अभी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शान आ चुका है, सोनू बहन आ चुकी है, चीकू आ चुका है, जी आ चुकी है, तोप्पू और सोनू बहन से हमने कह दिया, सोनू बहन काम करना है फुल, रोटी बनानी है, कहीं देर बनाने लग जाओ क्यों भाई, काम तो होगा ही, देखो सब रिश्तेदार आएंगे तो बहुत सारे जने होंगे, तो रोटी सब्जी बनानी है, क्योंकि माता जी फिर कैसे है शान, ओए चप्पल दिया यार, फिर महादेव। हाँ अब सही है, तो चीकू पूरे में घूम के देख रहा है, तो हम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी चेहरे में खुशी क्यों है पता है, क्योंकि हमारी थार भी आ चुकी है, वो देखो कहाँ है थार, अरे वो रही हमारी थार, टैन टैन वो रही, खड़ी कर दी अपनी सफारी, और थार थार का तो पूरा ट्रक बना रखा, इतना सामान भर ला है उस्ताद जी, पता लगेगा निकलेगा तो, दुकान है इसके अंदर इस समय, अच्छा खोल लो भाई साहब इतना सामान। तो दोस्तों फिलहाल अभी चाय पानी पी लिया और अब चल रहे वो मंदिर के लिए स्पीकर लेने हैं। नानू कहाँ चले, मामा से पूछ, मामा चले, मामा चलो उस्ताद जी को बुला के लाए एक बार, नानू आज। दोस्तों पहुंच गए बाजार में और अब लेने हैं अपने को स्पीकर, और मामा सब पहुंच गए बाजार में, स्पीकर लेने आ गए, और अब ये फाइनल हुआ है, ये है माइक, कहा है माइक, अरे इसमें है माइक, और ये बूफर, ये लगेगा, ये माइक है वो बोपू, बोपू मामा हो गया सिलेक्ट, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, चलेगा हर महादेव, हर हर महादेव भाई, फाइनल हो गया, काफी सामान एक ये फाइनल हुआ, और वो ये लिया है, ये लिया दो माइक लिया, चल रही है, और अभी अभी स्टैंड की बात है कि वो हारमोनियम के लिए स्टैंड के, और अभी इन पे अवेलेबल नहीं है, पर कल आ जाएगा, वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। इतने मेहनती लड़के देख रहे हो, इनकी मेहनत देख रहे हो, ये लो और ले लो रस्सी, शान बहुत मेहनती है यार तू, सच में कई बार तो शान बहुत मेहनत करता है। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम खाना खाने, क्योंकि भाभी और के खाना खाना, क्योंकि भाभी और ने देखा आज नौता सबका खाने का, चले चलो अनुज भाई चलो, तो वहाँ खाएंगे खाना, चलो तो आ गया भाई अब खाना खाने, ये देखो बैठ गए, लग गए खाने के नाम से, शान का रुकना था, और प्रो भाई बतलाने लग रहे हैं, और खाना आने वाला है, और अब खाते हैं, ये खाना है सलाद आलू की सब्जी, ये रसगुल्ले सबसे बढ़िया चीज, गाजर का हलवा ये भी तगड़ी चीज है, ये दो ही तगड़ी चीज है। तो आ गए दोस्तों, बढ़िया खाना खाया, फिर थोड़ी देर बातें कर गए थे, सब बैठ के फुल हंसी मजाक कर रहे थे, सब बैठे थे, तो वहाँ वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि ना जब हंसते हैं सब बैठ के बातें करते तो कई बार वीडियो नहीं बना पाते, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं करेंगे क्योंकि कल फिर मिलेंगे, तो कल मिलते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं, लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब की लाइन लगा दो, ज्यादा फॉलो करो, वीडियो चलेगी तो कमेंट जरूर करो, कल मिलते हैं, हर हर महादेव।